बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल रिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, बहुपद वलय और तथा इसके त्रिगुण। बहुपद के बारे में आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन देखते हैं। कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्री सिंबल, ये कोई स्वैच्छिक सिंबल है जिसे हम इंडिटर्मिनेट भी कह सकते हैं। देन एन एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन an एक्स इज टू एन, वेयर ai's, जहाँ की जो ai's हैं इस प्रकार से हैं, सच दैट an इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड AIs are members of R. R is a ring. A ring of integers हो सकता है, ring of real numbers हो सकता है, ring of complex number हो सकता है। फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं। X कोई स्वैच्छिक सिंबल है, तब इस नंबर वन इस रूप का व्यंजक जहाँ की ए आई इस प्रकार से हैं कि ए एन 0 के इक्वल नहीं है, तथा ए आई जो है रिंग के मेंबर्स हैं। रिंग रिंग ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, रिंग ऑफ रैशनल, रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, और वास्तविक संख्याओं का वलय भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। इसे हम एन घात का बहुपद कहते हैं, जहाँ की ए आईज आर कॉल्ड, मतलब ए आईज को हम गुणांक कहते हैं, आर कॉल्ड कोफिशियंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इन्हें हम बहुपद के गुणांक कहते हैं। सुविधा के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल ए जीरो, इसको हम फंक्शन एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन ए रेज टू ए एन एक्स रेज टू एन। एक्स इज रिफर्ड एन टू एज एक्स इज रिफर्ड टू एज एन इंडिटर्मिनेंट। एक्स को हम अनिर्धारित कहते हैं और एक्सन को हम कहते हैं कि ये लीडिंग टर्म ना, एक्सन कॉल्ड इसको हम लीडिंग टर्म कहते हैं और एक्स को हम कहते हैं इंडिटर्मिनेट। ओके सो जो आपका ए जीरो है, ए वन एक्स है, ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ए एन एक्स इज टू एन है, इन्हें हम कहते हैं कि बहुपद के विभिन्न पद हैं। ए जीरो ए वन एक्स एंड ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स इज टू एन आर कॉल्ड डिफरेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ कम टू अनदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कि जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। यदि इफ ए एन इक्वल जीरो फॉर ऑल एन, वेयर एन एन बिलोंग्स टू द सेट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके nth डिग्री में ये जो होगा एन तक होगा, तो एन कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यदि सभी ए एन जीरो के इक्वल हैं, देन एफ एक्स इक्वल जीरो इज कॉल्ड ए
जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ जो हमने नंबर वन में एफ एक्स में डिफाइन किया है, एन यहाँ जो है नॉन जीरो ना, यहाँ हम लिख भी देते हैं एन जो है, एन इज ए सॉरी नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज एन में भी जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। सो यदि हाईएस्ट जो डिग्री है एक्स की एन है और उसका कोफिशियंट ए एन जीरो नहीं है तो इसे हम कहेंगे कि यह अनथ डिग्री पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट कम टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद, शून्य बहुपद के बाद हम अचर बहुपद पर आते हैं कि इफ ए एन इक्वल जीरो फॉर ऑल एन इक्वल वन टू थ्री एंड सो ऑन एंड देन एफ एक्स इज सेट टू बी ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल यदि ए एन इक्वल जीरो सभी एन इक्वल वन टू थ्री एंड सो ऑन के लिए, एन के सभी मानों के लिए एक्सेप्ट ए जीरो, देन एफ एक्स इज सेट टू बी ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज इफ एफ एक्स इक्वल ए जीरो, मतलब एफ एक्स में केवल बहुपद में केवल एक ही पद है, अब वो है कॉन्स्टेंट टर्म है ए जीरो, तब बहुपद को हम अचर बहुपद कह सकते कहेंगे। कुछ बहुपद के एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया पी एक्स इक्वल टू प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स इसके प्लस एक्स इज टू फोर, तो ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको हम आपके ब्रैकेट में भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम पढ़ते थे तो वैसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट है ए ज़ीरो, टू है एक्स की पावर वन कोफिशियंट इज थ्री, एक्स की पावर टू कोफिशियंट इज माइनस सेवन, एक्स की पावर थ्री चूँकि यहाँ नहीं है एक्स क्यू, दैट इज़ ज़ीरो इंटू एक्स क्यू है, सो एंड द नेक्स्ट इज फोर, तो इसको सिंगल ब्रैकेट के फॉर्म में भी इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सो एंड दिस इज ए पॉलिनोमियल। ओवर फील्ड के बारे में बाद में बात करेंगे कि ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स। इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल्स यहाँ ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल वन एग्जांपल टू, लेट क्यू एक्स इक्वल रूट थ्री प्लस सेवन बाई थ्री एक्स स्क्वायर, दिस इज ए पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ और इंडिटरमिनेंट क्या है एक्स है, तो इज ए पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ इन एक्स। और फील्ड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वैसे यहाँ बता देते हैं कि फील्ड इज ए कम्यूटेटर रिंग विद यूनिट एलिमेंट एंड पॉसेस इनवर्सेस ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। फील्ड एक बीजगणितीय संरचना होती है जो कि रिंग होती है, बलय होती है, क्रमिनवे नियम भी का पालन होता है गुणा के लिए, इसमें इकाई अवयव होता है और इसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे टू का वन बाई टू है और ए नॉन जीरो है तो एक इनवर्स हुआ वन बाई ए, तो इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इसके बाद जो बात करें इक्वल पॉलिनोमियल्स, इक्वल पॉलिनोमियल्स सॉरी मान लीजिए एफ एक्स इज ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ए एन एक्स इज टू एन है और दूसरा पॉलिनोमियल जी एक्स इक्वल बी ज़ीरो प्लस बी वन एक्स
प्लस बी टू एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन बी एन एक्स इज टू एन है, तब हम इनको इक्वल पॉलीनोमियल्स कहेंगे। इफ ईच ए आई इक्वल बी आई, सॉरी दिस इज बी एन, दिस हैड टू बी इक्वल पॉलीनोमियल्स, देन एफ एक्स इक्वल जी एक्स इफ फॉर ऑल एन ए आई इक्वल बी आई, दैट इज ए जीरो इक्वल बी जीरो, ए वन इक्वल बी वन एंड सो ऑन, ए एन इक्वल बी एन, सम ऑफ टू पॉलीनोमियल्स दो बहुपदों का योग, तो जैसे मैं एफ एक्स और जी एक्स सम निकाल रहे हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड कर देंगे हम, और सिमिलरली जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उनका सम देख लेंगे हम, इसी प्रकार जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स हैं एक्स की उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करते जाएंगे, तो आपको सम ऑफ टू पॉलीनोमियल्स मिलेगा। दिस इज ए एन प्लस बी एन एक्स इज टू एन। ज़रूरी नहीं है कि दोनों की डिग्री समान हो, दोनों की डिग्री असमान भी हो सकती है, तब भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स, मान लीजिए ये पॉलीनोमियल्स जो हैं आपके इन्फाइनाइट हैं, ओके, तो ऐड करने का तरीका इनका यही होगा। नाउ कम टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स, दो बहुपदों का गुणनफल। सो एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो, सॉरी ए ज़ीरो इंटू बी ज़ीरो कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा फॉर एक्स की पावर वन के साथ, तो आप देखेंगे कि ए ज़ीरो बी वन और ए वन बी ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों को आपस में, तो एक्स कोएफिशिएंट मिलेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें, सो ए टू बी ज़ीरो एक्स स्क्वायर रहेगा, देन ए वन बी वन एक्स स्क्वायर प्लस ए ज़ीरो बी टू एक्स स्क्वायर, यदि हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो देखेंगे आप कि ए टू एक्स स्क्वायर इंटू बी ज़ीरो एक्स स्क्वायर होगा, देन ए वन इंटू बी वन एक्स, ए वन एक्स इंटू बी वन एक्स, ए वन बी वन एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार बी टू एक्स स्क्वायर इंटू ए ज़ीरो से आपको मिलेगा ए ज़ीरो बी टू एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में जैसे ए वन बी ज़ीरो सफिक्स जो वन और ज़ीरो इनका योग कितना है, एक है, सम इनका जैसे ए टू बी ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो इज़ टू, वन प्लस वन इज़ टू एंड ज़ीरो प्लस टू इज़ टू, तो आप आसानी से जो nth डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट लिख सकते हैं ए एन बी ज़ीरो प्लस ए एन माइनस वन बी वन प्लस ए एन माइनस टू बी टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए ज़ीरो बी एन, ये कोफिशिएंट होगा एक्स एन का। तो जैसे इसी का हम लिखें कि दिस इज सी ज़ीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन सी एन एक्स इज टू एन, सो वेयर सी एन इक्वल ए एन बी ज़ीरो प्लस ए एन माइनस वन बी वन प्लस ए एन माइनस टू बी टू प्लस एंड सो ऑन ए ज़ीरो बी एन। समीशन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको कि दिस इज सिग्मा ए आई वी जे, वे आई प्लस जे कितना रहेगा, लेट आई प्लस जे इक्वल एन, या सिंबल में हम थोड़ा चेंज करें तो इसको हम ए आई प्लस जे इक्वल एन सिग्मा ए आई बी जे बी जे। तो यहाँ आप देखेंगे कि एन प्लस जीरो इक्वल एन, एन माइनस वन प्लस वन इक्वल एन, एन माइनस टू प्लस टू इक्वल एन एंड फाइनली ज़ीरो प्लस एन इक्वल एन। तो सी एन को सिंगल टर्म नोटेशन में भी हम लिख सकते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन किया, एडिशन डिफाइन किया, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं रिंग के लिए। तो इसके बाद हम अभी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की भी बात करेंगे कि जिससे हमने पहली बात की थी कि यदि किसी पॉलिनॉमियल में एफएक्स में एक्स की हाईएस्ट पावर एन है तो हम एन कहेंगे कि दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल एफएक्स। सो डिग्रीज के बारे में बात करें कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इफ एफ एक्स इक्वल ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स इज टू एन एंड प्लस अदर टर्म्स आर अदर कोफिशियंट्स आर जीरो एंड ए एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड आल्सो अदर टर्म्स ए एन प्लस वन इक्वल ए एन प्लस टू प्लस एंड सो ऑन ऑल अदर कोफिशियंट्स आर जीरो देन डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स इज एन एंड बी लाइट डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल एन। इसका एक और आपने पहले देखे हैं कि इसमें दो बातें और देखेंगे कि नोट वन कि डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स किसी सम ऑफ पॉलिनोमियल्स की डिग्री विच इज ऑलवेज लेस इक्वल मैक्सिमम ऑफ डिग्री एफ एक्स एंड डिग्री ऑफ जी एक्स। इन दोनों बहुपदों में जिनकी डिग्री अधिक होगी वही इनके समेशन की डिग्री होगी। इसी प्रकार नंबर टू कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस इक्वल डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। किन्हीं भी एग्जाम्पल्स को लेकर आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इनके प्रूफ की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो हमने समेशन देखा, पॉलिनोमियल का एडिशन देखा, इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स समेशन लिया हमने तो एफ एक्स माइनस जी एक्स उसका सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू अनदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल। ओके सो इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज एन एंड कोफिशियंट ए एन ऑफ एक्स एन इज वन देन एफ एक्स इज कॉल्ड ए मोनिक पॉलिनोमियल। जो लीडिंग कोफिशियंट है मतलब ए एन हाइस्ट जो पावर होती है उसका हाइस्ट डिग्री जो होती है उसका जो कोफिशियंट होता है जिस हाइस्ट डिग्री टर्म है ए एन एक्स इज टू एन। तो यदि ए एन एक के बराबर है यूनिट के बराबर है तो हम पॉलिनोमियल एफ एक्स को कहेंगे ये मौलिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पॉलिनोमियल रिंग पर। सो पॉलिनोमियल रिंग आर पॉलिनोमियल्स ओवर ए रिंग। किसी बलय पर के ऊपर यदि हम बहुपद लें तो उन सभी बहुपदों का समुच्चय एक बलय बनाता है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए रिंग आर फॉर्म ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लाइकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम
सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफाइन करते हैं कि लेट आर एक्स इज ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें पॉलिनोमियल्स मान लीजिए एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन एक्स इज टू एन ए एन एक्स इज टू एन प्लस एंड सो ऑन वेयर वेयर ए आईज आर मेंबर ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर ए रिंग आर। इसे हम किसी बल आर पर बहुपदों का समुच्चय कहते हैं। तो अब ये आर एक्स जो है इट फॉर्म ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लाइकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे समुच्चय आर एक्स जो है बहुपदों के योग एवं गुणन के सापेक्ष एक रिंग बनाता है, इसे हम प्रूफ करेंगे। सो नाउ कम टू थ्योरम, द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्री रिंग आर प्लस एंड मल्टीप्लाइकेशन इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लाइकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। समुच्चय आर एक्स सभी बहुपदों को समुच्चय आर एक्स किसी बल आर पर एक बल बनाता है बहुपदों के योग एवं गुणन के सापेक्ष। तो एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन हमने ऊपर देखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जो बहुपद हमने पहले माने थे उन्हीं को हम फिर से लिखते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल सिग्मा ए आई एक्स इज टू आई समीशन ओवर आई आई को हम रखेंगे ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। दिस ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमने माना जी एक्स इक्वल समीशन ओवर जे कोफिशिएंट हम चेंज करते हैं। सो दिस इज बी जे एक्स इज टू जे इक्वल वी ज़ीरो प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार चूँकि हमें एसिडिटी प्रॉपर्टी के लिए तीन पॉलिनोमियल्स की जरूरत होती है तो हम एक पॉलिनोमियल और मान लेते हैं कि दिस इज समीशन ओवर के सी के एक्स इज टू के इक्वल सी ज़ीरो प्लस सी वन एक्स सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम आई सॉरी हाँ ठीक है ये करेक्ट हुआ सी के एक्स इज टू के दिस इज सी वन सॉरी सी ज़ीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ तीन पॉलिनोमियल देखे जहाँ की ए ज़ीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन सभी ये ए आईज बी जेज एंड सी केज आल आर
मेंबर्स ऑफ रिंग आर, आई जे के इक्वल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आर पॉलिनोमियल्स ओवर आर, या हम कह सकते हैं आर मेंबर्स ऑफ आर एक्स। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो प्रॉपर्टी नंबर हम वन और वन के अंतर्गत हम ये दिखाएंगे कि जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो आर के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जरूरत बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एडिशन को डिफाइन कर चुके हैं। सो एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स एंड एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस ए टू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस बी एन एक्स इज टू एन प्लस एंड सो ऑन, सो विच इज़ आल्सो ए पॉलिनोमियल इन एक्स, सो इट इज़ ए मेंबर ऑफ आर एक्स। सो दस देयरफॉर एफ एक्स एंड जी एक्स belongs to Rx implies fx plus gx, ये भी Rx का member है, so therefore Rx is closed with respect to, and so Rx is closed with respect to addition, अतः Rx योग के सापेक्ष सम्मिलित हुआ। यह abelian group होने के लिए first property हुई। देन सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, सहचर्य नियम। ओके सो वी हैव एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल एफ एक्स और जी एक्स को आपने अभी रिलेशन देखा था कि सिग्मा ए आई प्लस बी जे सॉरी सिग्मा ए आई प्लस बी आई, क्योंकि कोफिशेंट हम डिफरेंट पावर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशेंट्स को ऐड करेंगे, सो दिस इज समेशन ओवर आई प्लस एच के कोफिशेंट सी के फॉर्म में लिए थे, सो दिस इज सी आई एक्स इज टू आई, इनको हम ऐड कर सकते हैं, दिस इज समेशन ओवर आई, समेशन कॉमन है, सो ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई, और राइट लेफ्ट से समेशन कॉमन लिया, राइट से एक्स की पावर आई, और चूंकि ए आई बी आई सी आई ये सभी रिंग के मेंबर्स हैं इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो ये हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं रिंग आर में। ओके दिस इज एक्स इज टू आई, सो एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी इन आर, आर में सहचर्य नियम से, और इसी को हम लिख सकते हैं समेशन ओवर आई ए आई एक्सेस टू आई प्लस समेशन ओवर आई बी आई प्लस सी आई एक्सेस टू आई, सो दिस इज क्लियरली एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्लियरली सम ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आर एक्स, आर एक्स में सहचर्य नियम का पालन होता है। नंबर थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी,
दशमक दशमक अवयव का अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हियर जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। जीरो एक्स क्या है? जीरो पॉलिनोमियल जो हमने पहले भी डिफाइन किया था, जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो हियर जीरो बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल सॉरी एफ एक्स प्लस जीरो एक्स इक्वल ए जीरो प्लस जीरो प्लस ए वन प्लस जीरो एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस जीरो एक्स इज टू एन एंड सो ऑन एंड विच इज इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए इज टू ए एन एक्स इज टू एन एंड सो ऑन। चूँकि जीरो दशमक है रिंग आर का, सो ए जीरो आर एंड सो ऑन ए एन प्लस जीरो इक्वल ए एन, सो विच इज इक्वल एफ एक्स। हियर जीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, देयरफॉर जीरो पॉलिनोमियल जीरो एक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। And come to false property, existence of additive inverse, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, existence of additive inverse, to each fx belongs to Rx, there exist minus of fx belongs to Rx such that fx plus minus fx equal zero polynomial equal minus half fx plus fx. So minus fx is called the additive inverse of fx. तो माइनस एफ एक्स में क्या होगा? हियर माइनस एफ एक्स इज माइनस ए ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो प्लस माइनस ए वन एक्स प्लस माइनस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस माइनस ए एन एक्स इज टू एन एंड सो ऑन। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स लिखने का तरीका होता है। सो ईच एलिमेंट ऑफ Rx has additive inverse, therefore each element of Rx has additive inverse. Now come to property number fifth, commutative property, commutative law. आपने देखा पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल समीशन ओवर आई ए आई प्लस बी आई एक्स इज टू आई। चूँकि ए आई बी आई रिंग के मेंबर्स हैं, बलय के अवयव हैं और बलय में योग के सापेक्ष क्रमनिमेय का पालन होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी आई इक्वल बी आई प्लस ए आई। सो दिस इज समीशन ओवर आई बी आई एक्स इज टू आई प्लस समेशन ओवर आई ए आई एक्स इज टू आई, सो विच इज जी एक्स प्लस एफ एक्स। सो आर एक्स इज कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, देयरफॉर आर एक्स फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन so thus Rx is an abelian group. Number two, second, Rx set of polynomials Rx
with respect to multiplication is a semigroup. So there are two property in semigroups. एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी है संभाग्य अभिगित और दूसरी गुणा के लिए सहायशील नियम. सो बाई डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल सिग्मा. अभी हमने आपको प्रोडक्ट डिफाइन किया था कि सिग्मा ए आई एक्स इज टू आई इंटू सिग्मा बी जे एक्स इज टू जे, इनका प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था दिस समेशन ओवर आई प्लस जे. इसको हमने मान लीजिए के, सो दिस इज सी के एक्स इज टू के, वे आर सी के, सी के इक्वल ए के बी जीरो प्लस ए के माइनस वन बी वन प्लस ए के माइनस टू बी टू प्लस एंड सो ऑन ए ज़ीरो सी के. इसको हमने सी एन के फॉर्म में लिखा था पहले. प्रोडक्ट के लिए हम आपको फिर से यहाँ दिखा देते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो इनको हमने निकाल के दिखाया था. ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है. ओके तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या होगा एंड सो ऑन होगा, मतलब और भी एलिमेंट्स होंगे जैसे कि हमने ऊपर यहाँ दिखाया था. तो ये भी चूंकि प्रोडक्ट भी एक पॉलिनोमियल है, सो देयरफॉर आर एक्स इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस बिलोंग्स टू आर एक्स. सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे कह सकते हैं कि आर एक्स इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ओके तो इसके सेकंड प्रॉपर्टी, अब हमें ये दिखाना है कि ये एसोसिएट होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट भी होता है. सो एसोसिएट लॉ, दिस वाज ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके क्लोजर प्रॉपर्टी हमने दिखाई थी नंबर वन में. सो एसोसिएटिव ला फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो हियर एफ एक्स इंटू सी एक्स इक्वल, हमने यहाँ जैसे सी मान लिया था, चूँकि यहाँ हमें सी इसलिए नहीं मानना चाहिए था कि एच एक्स को हमने सी माना था, तो हमें सी को स्लाइटली चेंज करते थे, सी को मान लीजिए हम डी मान लेते हैं. ओके तो इससे सिंबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल सिग्मा समेशन ओवर आई डी आई एक्स एस टू आई. अब आप सोचेंगे डी आई क्यों लिया, आई तो हमने ए आई के लिए लिया था, तो समेशन में इस सफिक्स से कोई अंतर नहीं पड़ता. आप सफिक्स आई जे के एल एम एन कुछ भी लिख सकते हैं. तो वेयर डी आई इक्वल समेशन ओवर जे प्लस के इक्वल आई एज ए बी के. देखिए हमने फिर चेंज कर दिया है ना. तो नाउ एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स इक्वल सिग्मा डी आई एक्स एस टू आई इंटू सिग्मा सी एम एक्स एस टू एम, ये एच एक्स के लिए लिखा हमने सी एम इक्वल, मान लीजिए कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करने से कॉन्स्टेंट से मिलेगा, सो दिस ई एल एक्स एस टू एल, ये हमने माना कि वेयर जहाँ की ई एल क्या है प्रोडक्ट है डी आई और सी एम का. सो समेशन ओवर आई प्लस एम इक्वल एल डी आई सी एम, उसी प्रकार से जैसे हमने ए एन बी एन को मल्टीप्लाई किया था. सो डी आई सी इक्वल, अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं, दिस इज आई प्लस एम इक्वल एल समेशन सिग्मा जे प्लस के
इक्वल सॉरी आई इज ए बी के मल्टीप्लाइड बाई सी एम इक्वल समेशन जे प्लस के प्लस एम इक्वल एल ए आई बी के सी एम. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इसको हम थोड़ा ब्रैकेट को चेंज करते हैं, इक्वल सिग्मा जे प्लस के प्लस एम इक्वल एल ई एल एक्स एस टू एल. दस एंड विच इज इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स. दस मल्टीप्लाइकेशन इज एसोसिएटिव एंड हेंस आर एक्स इज ए सेमी ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन. कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लाइकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन नियम, इसे हम पहले देखते हैं. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला. सो एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल, जैसे हमने दो के लिए पहले भी मल्टीप्लाई किया तो उसी प्रकार से इनको भी हम लिखेंगे. सो दिस इज सिग्मा ए जे एक्सेस टू जे एफ एक्स के लिए, इसी प्रकार जी एक्स एच एक्स के लिए लिखेंगे. सिग्मा बी के एक्सेस टू के प्लस सिग्मा सी के, चूँकि ऐड करना है इसलिए हम कांस्टेंट सफिक्स बी के और सी के इनके समान सफिक्स लेंगे, इक्वल सिग्मा सॉरी यहाँ हमने आई लिख दिया तो ये जे है ना, सिग्मा ए जे एक्सेस टू छे एफ एक्स के लिए, और समीशन आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स को हम जोड़ देते हैं, जो संगत गुणांक होते हैं एक्स की विभिन्न पावर्स के उनको हम जोड़ देते हैं. तो समीशन सीधे तरीका है इसका. सो लेट दिस इज सिग्मा ए जे एक्स इज टू जे मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, मान लीजिए नेक्स्ट ले लेते हैं, दिस इज एफ के, ये एफ चूँकि हमने पॉलीनोमियल के लिए लिखा है तो एफ नहीं लिखते हैं, इसको हम मान लेते हैं कोई कैपिटल लेटर्स में मान लेते हैं. दिस इज बी के एक्स इज टू के वेयर बी के इक्वल स्मॉल बी के प्लस सी के. सो दिस इज सिग्मा, और चूँकि सफिक्स जे और के हैं तो जे प्लस के इक्वल एन ए जे बी के एक्स इज टू जे प्लस के दैट इज एन. तो ये भी आपने देखा कि ये पॉलीनोमियल है. सो वापस हम इसको वैल्यू रख देते हैं कैपिटल बी के की. सो दिस जे प्लस के इक्वल एन ए जे बी के प्लस सी के एक्सेस टू एन. चूँकि ये बी के और सी के और ए जे ये सभी रिंग के मेंबर्स हैं, आर के मेंबर्स हैं, और आर में बंटन नियम का पालन होता है. आर फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिंग आर, तो यहाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो दिस इज ए जे बी के प्लस ए जे सी के एक्सेस टू एन. सो दिस इज सिग्मा जे प्लस के इक्वल एन सॉरी ए जे
वी के एक्सेस टू एन प्लस सिग्मा जे प्लस के इक्वल एन ए जे सी के एक्सेस टू एन. सो दिस इज एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स. सो लैप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन आर एक्स. सिमिलरली वी कैन सो दैट कि लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस इज एफ एक्स प्लस सॉरी पहले हम इसको जी एक्स से स्टार्ट करते हैं. सिमिलरली जी एक्स प्लस एच एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स इक्वल जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एच एक्स इंटू एफ एक्स. दस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन आर. देयरफॉर आर एक्स सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर हैविंग ए रिंग. आर एक्स को एक बलय होने के लिए सभी नियमों का पालन करता है. देयरफॉर रिपीट आर एक्स एडिशनल मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग. यही हमें प्रूफ करना था. डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ कुछ बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम की. डिवीजन एल्गोरिथम इन आर एक्स. यदि किसी पॉलीनोमियल एफ एक्स को हम जी एक्स डिवाइड करते हैं, मान लीजिए क्यू एक्स टाइम्स डिवाइड होता है और आर एक्स रिमाइंडर मिलता है, तो हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स, वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल ज़ीरो आर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं हम जी एक्स से. तो ये आपने इसके पहले अपने स्कूल लेवल पर रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी हुई है. डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है. नंबर टू हम लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम. मान लीजिए आर हमारा कम्यूटेटर रिंग विथ यूनिट एलिमेंट है और एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स ये हमारे मेंबर्स हैं. मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स मेंबर हैं रिंग आर एक्स की, या ऐसे लिख लेते हैं एफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ पॉलीनोमियल रिंग आर एक्स. और यदि हम इस एफ एक्स को किसी बाइनोमियल द्विपद एक्स माइनस से डिवाइड करते हैं और क्यू एक्स टाइम्स डिवाइड होते हैं, तो आपका रिमाइंडर होगा एफ ए. ये आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है कि इफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इज एफ ए. इसके अलावा आपने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल में. बहुपद के लिए नहीं पढ़ा था, आपने जनरल पढ़ा था. तो फैक्टर थ्योरम में ये है कि यदि एफ ए ज़ीरो है ना, तो एक्स माइनस ए या क्यू एक्स इसके फैक्टर्स होंगे. सो ये इसको हम लिखते हैं ए पॉलीनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज डिविजिबल बाय ए पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए. इसे हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं क्योंकि दो पद है ना. इफ एंड ओनली इफ एफ ए इक्वल ज़ीरो फॉर आर्बिट्रेरी ए बिलोंग्स टू एफ. एफ के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. एफ बीइंग ए फील्ड, क्योंकि पहले मैं आपको अभी फील्ड रेफरेंस दे चुके हैं, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि एफ ए इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए
इंटू क्यू एक्स। क्लियरली आप देख रहे हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसमें हम एक आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक भी लेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन मान लीजिए पॉलिनॉमियल आपके पास है एफ एक्स इज ए ज़ीरो एक्स इज टू एन प्लस ए वन। हम इसको रिवर्स फॉर्म में लिख रहे हैं एक्स की पावर्स को, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है एंड सो ऑन। ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है और इस पॉलिनॉमियल को मान लीजिए हमें डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड इट बाई सम बाइनॉमियल एक्स माइनस वी। सो अब इनके डिवीजन से मान लीजिए कि इफ बी डिवाइड एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए एंड बी गेट क्यू एक्स सॉरी एंड बी गेट आर बी ऑप्टेन। मान लीजिए हमें प्राप्त हो जाता है ये कि क्यू एक्स इक्वल बी ज़ीरो एक्स इज टू एन माइनस वन प्लस बी वन एक्स इज टू एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन बी एन माइनस वन एक्स प्लस बी फाइनली बी सॉरी यहाँ लिखेंगे बी एन माइनस टू, एक डिग्री कम होगा ना, सो फाइनली भी है बी एन माइनस वन। तो इस डिवीज़न के लिए हम सिंपल तरीके से सिंथेटिक डिवीज़न के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले आप लिखें कि जो एफ एक्स के कोफिशियंट्स हैं, कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स, तो ये आपके हैं ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एंड एन। फर्स्ट रो आप ये बना लीजिए। अब चूंकि आपको x माइनस ए से डिवाइड करना है, ओके, तो a को आप एक कॉलम में लिख लें आप, देन चूंकि x क्यू एक्स में पावर क्या है, हाईस्ट पावर x माइनस वन, चूंकि हमने x माइनस ए से डिवाइड किया, ये लीनियर है, एक घाती है, इसलिए जब हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, तो जो आपको मिलेगा क्यू एक्स टाइम्स डिवीजन होगा और कुछ रिमाइंडर भी होगा, तो उसकी क्यू एक्स पॉलिनॉमियल की पावर एक कम होगी। तो हम ए वन के नीचे लिखते हैं, देखिए अब यहाँ से आप यहाँ एक लाइन खींच दीजिए कि हम इसके उस लाइन को और थोड़ा क्लियर बनाते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ को हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ बी जीरो दिख रहा है, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी जीरो को, तो ए बी ज़ीरो, देन मान लीजिए इनका समीशन मिलता है बी वन, तो बी वन को हमने फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया ए बी वन, आपको मिला b2। इसी प्रकार b2 को मल्टीप्लाई किया a से, सो a b2 हम दोनों को ऐड किया सो b3। इसी प्रकार यहाँ सॉरी हमने यहाँ a0 से स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने कहा था a0 चूँकि ये हम इसको अलग करते हैं, फर्स्ट यहाँ आप छोड़ के चलेंगे चूँकि a0 कोफिशिएंट है xn का और यहाँ कोफिशिएंट xn माइनस वन का क्या है ए वन है, तो हम ए वन के नीचे लिखेंगे बी जीरो वाली टर्म्स। तो मान लीजिए कि ए ज़ीरो इसे हमने कहा बी ज़ीरो है ना, तो मतलब हमने ऐड किया, तो यहाँ चूँकि कुछ भी नहीं तो हमने इनको ऐड किया तो मिला बी ज़ीरो। अब बी ज़ीरो को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ ए बी ज़ीरो, और इनका समीशन मान लीजिए बी वन है, बी वन को मल्टीप्लाई किया सो ए बी वन, दोनों ए टू प्लस ए बी वन से बी टू, एंड बी टू को मल्टीप्लाई किया सो दिस इज ए बी टू सॉरी ए बी टू, दोनों को ऐड किया सो इट इज़ बी थ्री। इन सभी का हम एडिशन कर रहे हैं, ओके, ये ध्यान रखना आपको। एंड फाइनली यहाँ हमने ऐड किया तो मान लीजिए आपको ए बी एन माइनस टू और एडिशन मिला आपका बी एन माइनस वन, और यहाँ हमने बी एन माइनस वन को मल्टीप्लाई किया ए से सो ए बी एन माइनस वन, और मान लीजिए इन दोनों का जो समीशन मिलता है, इन दोनों का समीशन ये मिलता है आर, देन आर विल बी द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से
आपको समझाते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इफ एफ एक्स इक्वल एक्स इज टू फाइव प्लस सॉरी एक्स इज टू फाइव माइनस थ्री एक्स इज टू फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एट एक्स माइनस 135 डिवाइड एफ एक्स बाई एक्स माइनस फोर, इसको थोड़ा और क्लियर लिखते हैं, बाई एक्स माइनस फोर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे पहले तो एक ही जगह क्या है, फोर है, तो फोर आपने लिख लिया। फिर हम फर्स्ट रो लिखेंगे जो एफ एक्स में ए ज़ीरो ए वन ए टू के कोफिशियंट है। ए ज़ीरो तो एक्स फाइव का कोफिशियंट है 1 है, ए वन कोफिशियंट है माइनस थ्री, ए टू का कोफिशियंट है हियर 1, ए फोर ए थ्री का ए टू, ए टू नहीं है दैट इज़ ज़ीरो एक्स स्क्वेयर, तो एक्स का कोफिशियंट 0, एक्स का 1 माइनस एट सॉरी, और कॉन्स्टेंट टर्म है 135। ओके तो अब हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे इसके नीचे 1, इसी को हमने कहा भी 0, सो समेशन 1। अब 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 1 इंटू 4 इज 4, ऐड किया सो रिजल्ट इज 1, इसे हमने कह दिया बी वन। नेक्स्ट आपको बी टू मिलना है, सो अब 1 को हमने 4 से ऐड किया सो ये हो 4 इंटू 1 इज 4, समेशन इज 5, देन 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया सो दिस इज 20, सो नेक्स्ट कोफिशियंट इन क्यू एक्स इज 0 प्लस 20 इज 20, देन 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया सो दिस इज 80, और दोनों को ऐड किया सो अवर बी फोर इज प्लस 72, देन अब 72 को मल्टीप्लाई किया सो 4 से दिस इज 288, एंड वी हैव बी फाइव इक्वल दोनों को ऐड किया सो दिस इज 153। तो रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या हुआ 153, सो दिस इज अवर रिमाइंडर, सो द कोसेंट इज देयर फोर कोसेंट क्यू एक्स इक्वल बी ज़ीरो एक्स इज टू फोर प्लस बी वन एक्स क्यू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स प्लस बी फोर, सो हियर बी ज़ीरो इज 1, सो दिस इज एक्स इज टू फोर, सभी के वैल्यूज रख देते हैं, बी वन इज ऑल्सो 1 सो दिस इज एक्स क्यू प्लस बी टू इज 5 सो दिस इज 5 एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री इज 20 सो 20 एक्स एंड बी फोर बी टू हो गया सॉरी बी थ्री हो गया, बी फोर इज 72, यहाँ कुछ सॉरी यहाँ हमने ये लिखा, ये तो हुआ आपका ये ठीक है, तो बी फोर हो गया, इसको हम बी फाइव नहीं कहेंगे सॉरी गलत लिखा हमने, दिस इज कॉल्ड ओनली रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना हो गया इतने टाइम्स तो ये डिवाइड हुआ सो दस एफ एक्स इक्वल क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस फोर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 153, और जो कोसेंट है ये क्यू एक्स है, सो ओके थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने यहाँ एक